Okay. Okay. sorry for the delay. Actually, I don't have the password for this, so I joined it through a link directly. So basically, I will focus. Actually, उस वक्त मैं try कर रहा था. मैंने कहा कि probably हो जाएगा. मगर वो फिर हुआ नहीं. फिर snap load खैर anyhow. एक मैं थोड़ा सा overview दे दूँ. Exam के point of view से basically. I would like to discuss this topic. कि मुझे जो बताया गया था वो ये था कि residents who are about to appear in the exam, theory as well as Viva, OSCE, TOGS exam, उस सबको cover करने के लिए किया था. उसमें भी जो objective दिया गया था उसके अंदर upper limb and lower limb blocks जो था mainly. Actually blocks को अब एक चीज अपने माइंड में जितने रेजिडेंट्स हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं वो थोड़ा ये क्लियर कर लें अपने माइंड में कि ये कोई वर्कशॉप नहीं है जहाँ पे हैंड्स ऑन करके हम उसमें कोई रीजनल एनेस्थीसिया सिखा रहे हैं पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स ऐसा नहीं है. ठीक है. तो ये बेसिकली सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेरीज और क्या चीज़ें हैं जिनको हमने फोकस करना है और कौन से ऐसे कॉर्नर्स हैं जो हम लोग नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से जो है हमें फिर परेशानी हो सकती है. इसके अंदर आप लोग भी बीच में कोई भी क्वेरी हो कोई भी आपको बीच में अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही हो और अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो दे कैन शेयर एट एनी पॉइंट. ओके. सो मेनली मोस्ट ऑफ द कंटेंट आई हैव टेकन फ्रॉम द नाइसुरा वेबसाइट. बहुत ही अच्छी और यूजफुल वेबसाइट है. मैं बल्कि सारे जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं वो अबाउट टू अपीयर इन द एग्जाम उनको भी मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट जाके जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है और वीडियोस वो एक बार देख लें और उसमें जो आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी स्पेशली ब्लॉक परफॉर्मेंस के अंदर. ओके. जो पास एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं उसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स जो हैं क्वेश्चंस आ चुके हैं. एमसीक्यूज में भी कई बार कवर करते हैं इसके अंदर. पहले शॉर्ट एसेज होते थे अब नहीं है करंटली. टोक्स में भी पूछा जा सकता है. देन सेफ डोज कैलकुलेशन हो सकता है कोई स्टेशन आपको दिया जाए जिसके अंदर आपको एक कंपोनेंट उसका ये भी हो कि उसके अंदर जो भी सेफ डोज है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की वो आपको जो है कैलकुलेट करनी है और किस बेस पे आप करेंगे वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए. देन कॉन्स एंड प्रोसेस ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया ये भी टोक्स के अंदर स्टेशन इस तरह का आने के चांसेस होते हैं जिसके अंदर आपने पेशेंट को कोई सिमुलेटेड पेशेंट होता है उसको यू हैव टू कन्विंस फॉर द रीजनल एनेस्थीसिया. उसके फिर आपको टेक्स में जाके इसके कॉन्स एंड प्रोसेस वो आप पढ़ लें कि क्या क्या होते हैं. पेरिफेरल नर्व ब्लॉक फॉर शोल्डर सर्जरी ये आ चुका है. अब ये जो नर्व ब्लॉक्स हैं इसको पूछने के डिफरेंट वेज होते हैं. आजकल जो ओवरऑल जो सीपीएसपी की तरफ से भी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ये है कि क्लिनिकल बेस सिनेरियो होने चाहिए. उसके अंदर ये कि जो रिकॉल वाले क्वेश्चंस हैं वो यूजली बहुत कम ऐसा होता है कि रिकॉल वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएं. जो C1 हम लोग कहते हैं C1 कैटेगरी मोस्टली C2 और C3 होते हैं फॉर MCQs. उसके अंदर ये कि अगर कोई बेसिक नॉलेज का क्वेश्चन पूछना भी है यूजली तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ये पार्ट वन के एग्जाम में कवर हो चुका होगा. मगर अगर पार्ट टू में भी अगर पूछना है तो उसके अंदर या आईएम में पूछना है तो उसके अंदर फिर उसको क्लिनिकल सिनेरियो बिल्डअप करके और उसका एक कंपोनेंट इसको बनाया जाता है. शोल्डर सर्जरी में भी इस तरह के डायरेक्टली हो सकता है इंटरेस्ट क्लीन ब्लॉक रख दें टोक्स के अंदर और डायरेक्टली उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाए. इंडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस और हाउ यू विल परफॉर्म ये सारी चीज़ें. हैंड सर्जरी में आ चुका है एग्जाम में. एंकल ब्लॉक पे मल्टीपल टाइम्स आ चुका है. सुपरक्लेविकुलर ब्लॉक ट्रांसवर्सल एब्डोमिनल प्लेन ब्लॉक इंटरकॉस्टल ब्लॉक स्ट्रेटस इंटीरियर ये सब जो ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक्स फॉर हैंड सर्जरी ये पूछा जा चुका है. अच्छा एट टाइम क्वेश्चंस इस तरह भी बनते हैं कि उसके अंदर आपको एक सिनेरियो दिया है MCQ के अंदर उसके अंदर बताया है कि यू आर इंसर्टिंग अ नीडल और लेट सपोज एन इंटर क्लेनी ब्लॉक एंड दैट हिट द बोन. पहले तो आपको अगर एनाटॉमी का पता होगा then you will answer able to answer कि वो exactly bony structure क्या था. अगर वो transverse process था तो आपको needle की direction कहाँ करनी होगी. तो इसी वजह से थोड़ा anatomy आपको relevant जो है जो block से related है वो मालूम होनी चाहिए. and then complications of different blocks.
अच्छा यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी मल्टीपल क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप्स के जो के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कुछ अगर कुछ और कोई ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकता है, उसको हम थोड़ा सा और थोड़ा इन डेप्थ जो है थोड़ा फोकस कर लेंगे। ओके सो स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकल एनेस्थेटिक फार्माकोलॉजी मैकेनिज्म एक्शन, आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर दे मेनली एक्ट ऑन द सोडियम चैनल। सोडियम चैनल देन अगेन इट हैज टू सब यूनिट्स अल्फा एंड बीटा, सो मेनली दे एक्ट ऑन द लार्ज अल्फा सब यूनिट्स। जो भी उनका एक्शन होता है मेनली सोडियम चैनल ब्लॉकर सोडियम चैनल पे होगा, बट सोडियम चैनल के अंदर जो अल्फा उसका सब यूनिट है दे एक्ट ऑन इट। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एटलीस्ट आपको इतना आइडिया हो। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अच्छा इसके अंदर एग्जैक्टली मैं कोई यहाँ पे डिस्कशन या कोई लेक्चर वगैरह नहीं दे रहा हूँ, सिंपली इसके अंदर जो मुझे जो मैं इसके गो थ्रू हुआ हूँ और इसके अंदर मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें फील हुई हैं मैं सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके देन यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ सेल्टेटरी कंडक्शन, क्योंकि मेन जो एक्शन होता है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट का दे सिंपली ब्लॉक्स द कंडक्शन। तो इसके अंदर माइलिनेटेड, ये भी आई एम श्योर आपको पता होगा कि बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स फॉर कंडक्शन, माइलिनेटेड एंड अनमाइलिनेटेड। सो इन माइलिनेटेड फाइबर्स इट हैज माइलिन शीट ओवर इट, इट ट्रांसमिट्स द शार्प पेन प्रिकिंग पेन एंड इट्स स्पीड इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू द अनमाइलिनेटेड फाइबर्स। In between the myelin sheet, there are some gaps, you can say, or dent-like thing that is called nodes of Ranvier. So for the local anesthetic agent to become effective, it has to block at least three consecutive Ranvier nodes. जैसे यहाँ पे figure में I am sure के visible होगा ये, अगर वो तीन से कम कर रहा है due to any reason, हो सकता है कि drug वहाँ तक पहुँची नहीं है तो block will be ineffective. तो एम सी क्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी के अंदर थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विच कैन बी आस्क्ड। ओके वी नो दैट अनमाइलिनेटेड फाइबर्स आर दे लैक सेल्टेटरी मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव माइलिन शीट ओवर इट एंड दे आर रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एंड मेन रीजन इज बिकॉज द सोडियम चैनल आर वेरी लेस प्रेजेंट ऑन इट। चूँकि उसके अंदर आपको माइलिन शीट नहीं मिलेगी, रेनवियर नोड्स नहीं होंगे, तो सोडियम चैनल भी बहुत डिस्पर्स होंगे ऑल ओवर दी नर्व। ऑल्दो इसका डायमीटर सी फाइबर्स जो होते हैं दे आर स्मॉलर देन दी ए डेल्टा फाइबर्स, बट इवन देन उसके अंदर आपको जो है वो इतना कंडक्शन जो है आपको स्लो मिलेगी और जो करेक्टर होगा वो भी एकिंग लाइक होगा। ओके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये जो कि आगे प्रैक्टिकली जब हम इसकी टॉक्सिसिटी को डिस्कस कर रहे होंगे वहाँ इसकी एप्लीकेशन आएगी, बट दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर सम मैनी अदर केमिकल्स दैट बाइंड एंड इनहिबिट द सोडियम चैनल ब्लॉकर सोडियम चैनल्स। तो जब हम टॉक्सिसिटी होती है उसके अंदर जब सीवीटी अगर ज़्यादा होगी, कुछ मेडिकेशन हैं जो नॉर्मली हम लोग दे रहे होते हैं मगर इस कंडीशन में हम लोग नहीं दे रहे होते, तो उसका जो आइडिया है वो थोड़ा सा हो जाएगा। Okay, so currently some toxins are under testing, possibly with they will replace the local anesthetic agent, but still these toxins are under the experimental phase. Or agar koi recent advancements mein poochta hai, you can simply tell them that there are a few toxins which are on, in the experimental phase on human as well as in animal phase, testing phase. Okay, another very important thing is that nerve blocking potency of local anesthetic agent, it increases with the increase in molecular weight and increase in lipid solubility. Blocking potency, what do you understand? Koi isme respond kar sakta hai? Kya aapko samajh mein aa rahi hai isse? Nerve blocking potency. Because there are two different things. One thing is the duration of action of any drug and another thing is the onset of action. So here we are talking about the duration of action. So it will increase with increase in the molecular weight. So common drugs hamare paas kaun si hain which have a relatively longer duration of action? Any idea? Koi batana chahega? Sir, bupivacaine is more dense. Yeah, ropivacaine and bupivacaine, they have longer duration of action as compared to the some of the other anesthetic agent.
जैसे xylocaine we also use this in common practice but not for the peripheral nerve blocks. Okay, on the other hand, speed of onset, it depends upon the aqueous diffusion rate which decline with increased molecular weight, or you can say both are inversely related to each other. Increase in molecular weight will decrease the aqueous diffusion rate, but this aqueous diffusion rate is responsible for the speedy onset of action. So we can say that xylocaine has a more aqueous diffusion rate as compared to the bupivacaine. So this is the reason for that. तो ये दो चीजें थोड़ी सी अपने माइंड में जरूर रखें, मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन बाइंडिंग, एंड फोर्थ थिंग इज दिस एक्वस डिफ्यूजन रेट. इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू एज वेल. देन डिफरेंशियल नर्व ब्लॉक, अगेन दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी ऑफन यूज, और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इट हैज सिग्निफिकेंस एंड प्रैक्टिकल कंडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी. कुछ आइडिया है what do you mean by differential nerve block? Anyone? सर ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट बेसिकली सेंसरी होता है, तो वो जो सेंसरी और मोटर और ऑटोनॉमिक लिहाज से कहते हैं. ओके फाइन. सो बेसिकली अगर इफ वी टॉक अबाउट द सेंट्रल न्यूरेक्सियल एंड एनेस्थीसिया, सो द ऑर्डर ऑफ ब्लॉक इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी फाइबर्स दे गेट ब्लॉक, आफ्टर फ्यू टाइम्स सेंसरी फाइबर विल ब्लॉक, एंड फाइनली मोटर फाइबर विल ब्लॉक. It depends upon the thickness and presence of receptors as well. So this is called differential nerve block. Same in case of bupivacaine and ropivacaine. Agar inke baare mein MCQ aata hai ke what exactly they are. So they are selective for sensory fibers. Kyunki jab aap lagaoge nerve block, peripheral nerve block, to uske andar sensory component pehle aayega and later on motor aayega. But there is one agent that is bupivacaine that has no differential onset. उसका सेंसरी एंड मोटर दोनों जो है वो एक ही टाइम पर होगा. सो यू वॉन्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंशियल नर्व ब्लॉक. देयर विल बी नो एज सच डिफरेंशियल नर्व ब्लॉक फॉर बुपिवाकिन इफ यू आर यूजिंग. तो वैसे तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, मगर इंटरनेशनली यूज होता होगा. देन वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट द फैक्टर्स दैट इफेक्टिंग द लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी. अदर फैक्टर्स आर dose. By increasing the dose, there are chances of having more effect, more dense effect of local anesthetic agent. Concentration, site of administration. By site, it means, for example, if you are doing an intrascleni block, अब आपको पता है इसके upper, middle, lower trunk होते हैं, उसके अंदर आप किस level पे कर रहे हैं. अगर आप upper के पास करेंगे तो हो सकता है upper and middle ये और लोअर जो स्पीयर रह जाए. इफ यू आर डूइंग इट, इफ योर नीडल डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द मिडिल ट्रंक, उसके अंदर चांसेस ज्यादा हैं कि अपर मिडिल लोअर तीनों हो जाएं. तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट. देन एडिटिव्स, लिटरेचर हैज बीन शोन अ ग्रेटर रोल ऑफ एडिटिव्स, बट स्टिल द एविडेंस इज रिलेटिवली वीक. मगर उसका एज सच कोई बहुत हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, मगर इसका वीक एविडेंस है कि इट हैज सम इफेक्ट. But it varies a lot. But number of studies are there and number of agents have been used as an adjective. Then temperature and pregnancy, both are said to be, by increasing temperature, there will be increased effect of a local anesthetic agent, and same in case of pregnancy. Central neurexial B or peripheral nerve block B. Okay, classification is very important. Kai bar कोई एजेंट, लेट सपोज बीपीवाकेन, रोपीवाकेन, इसके बारे में पूछ सकते हैं किसी और एजेंट के बारे में, और पूछ सकते हैं कि किस क्लास से इसका ताल्लुक है. दे कैन आस्क ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन. तीन तरीके से हम कर सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन इज द केमिकल स्ट्रक्चर, बट यू शुड हैव एन आइडिया. Okay, so chemically, we all know that it has a local anesthetic agent, basically has an aromatic structure ring. And at the end, it has either ester or amide ring. Luckily, most of the local anesthetic agent that we are using in clinical practice here in Pakistan, they belong to the amide group. Lidocaine is commonly used, ropivacaine and bupivacaine.
ज्यादातर ये यूज हो रहे होते हैं, बाकी भी हैं, कुछ मिक्सचर्स हैं, कॉम्बिनेशंस, दे हैव बीन यूज्ड, अमला क्रीम हो गई, वो यूज हो रही होती है फॉर टॉपिकल पर्पस, और इसी तरीके से कुछ सेंटर्स में कुछ और ड्रग्स भी यूज होती हैं फॉर अपर जी एंडोस्कोपीज, उसको नम करने के लिए यूज होती हैं. ओके, ऑनसेट ऑफ एक्शन, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पेरिफेरल नर्व ब्लॉक आपने परफॉर्म किया है, अब उसके अंदर आपने रोपिवेकेन और बीपिवेकेन या कोई और ड्रग यूज की है विद कम्बिनेशन विद एडिटिव और विदाउट एडिटिव, तो एक मीन टाइम इसके अंदर है, बट अगेन ये एक एवरेज टाइम है एंड दिस कैन नॉट बी फिट टू एवरी ब्लॉक. तो एनेस्थीजिया, बाय टर्म एनेस्थीजिया वी मीन मोटर एंड सेंसरी ब्लॉक बोथ, और जब रिग्रेस कर रहा होगा तो दैट इज कॉल्ड एनल्जीजिया अलोन विदाउट एनी मोटर ब्लॉक, क्योंकि जब ऑनसेट ऑफ एक्शन हो रहा होता है जिस तरह डिफरेंशियल की मैंने बात की, इसी तरीके से जब वियर ऑफ हो रहा होता है तो ये नहीं है कि मोटर सेंसरी दोनों वियर ऑफ हो गए ऑल ऑफ अ सडन, ग्रेजुअली होगा, पहले पावर गेन होगी और लेटर ऑन आफ्टर फ्यू आवर्स एनर्जेसिक इफेक्ट जो है वो भी वियर ऑफ हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करें तो लाइडोकेन mostly used sometimes in local infiltrations, 2.5 to 3 hours. तो roughly अब कोई भी अगर चीज़ बताएं, एक टिप इसके अंदर ये एग्जाम के लिए, कभी भी एक फिक्स वैल्यू ना बताएं, उसके अंदर रेंज बता दें, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं वहाँ पे, जिस जगह पे आप इंसर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आप इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, वहाँ पे वेस्कुलैरिटी कितनी है, उसका मेटाबोलिज्म कैसे हो रहा है ड्रग का, ये सारे फैक्टर्स हैं. और इसके अलावा भी इवन के फॉर इंडक्शन एजेंट या कोई ओपियोइड की डोज या कोई भी आपने डोज बतानी है, उसमें ऑलवेज टेल द रेंज, कोई एक सिंगल नंबर ना लें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे रोपिवाकेन 6 to 8 hours एनेस्थीजिया एंड एनल्जीजिया 8 to 12 hours. ये आप लोगों के पास हर तरह की टेक्स्ट बुक के अंदर दी हुई होंगी, मगर इसको ये कि थोड़ा सा देख लें, खासतौर पर जो कॉमनली यूज एजेंट्स हैं उनको देखना और याद रखना बहुत जरूरी है. ओके, फ्यू मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स. ईस्टर्स, अबाउट ईस्टर्स, दे अंडरगो. हेलो जी सर, आई जस्ट सर, जो जैसे इनकी हम प्रॉपर्टीज हम याद करेंगे लोकल एनेस्थीसिया की, एनेस्थेटिक्स की, तो उसमें आपने तीन चीजें बताई, इसके अलावा जैसे इनकी पीके हुई और प्रोटीन बाइंडिंग. ओके, प्रोटीन, प्रोटीन बाइंडिंग याद करना जरूरी है. प्रोटीन बाइंडिंग में आपको ये पता होना चाहिए किस एजेंट की ज़्यादा है किसकी कम है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर याद करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. इसी तरह से जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की जो आप समझ लें पीएच की बात कर रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि वो अल्कलाइन है या एसिडिक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हमारे पास ड्रग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सोडियम थायोपेंटोन की बात करते हैं, इट हैज़ अ पीएच ऑफ अराउंड 11 or 10.6 to 11, तो उसके क्लिनिकली इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि अगर वो आप टिश्यू में लगा देते हैं या इंटर आर्टरियल हो जाता है तो उसके एडवर्स इफेक्ट हैं. मगर जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के इटसेल्फ आप लगा ही टिश्यू में रहे होते हैं, उसकी पीएच टिश्यू को डैमेज नहीं करती है, तो आपको सिर्फ ये आइडिया अगर है कि एसिडिक है बेसिक है तो दैट्स फाइन, एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है उसमें. ओके, थैंक यू. ओके, ईस्टर्स दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय ईस्टरेजेस. अब ये हमें पता है कि ईस्टरेजेस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ईस्टर्स, सो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड, सो द मेटाबॉलिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ईस्टर एंजाइम विद इन द ब्लड. लेट सपोज अगर किसी में डेफिशिएंसी है, जैसे हम बात करते हैं सूडोकोलिन ईस्टरेज की जो सक्सिनाइल कोलिन के लिए होता है, उसमें सक्स एपनिया होता है, अब इसके अंदर उस तरीके का बहुत प्रोलॉन्ग तो नहीं होगा, मगर दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन of esters and toxicity as well. एक रीज़न ये भी है जो esters इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सके, उसकी एक रीज़न ये भी है कि उनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी amides. देन अगेन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्रोकेन एंड बेंजोकेन, दे आर मेटाबोलाइज टू पैरामानो ब्यूपेरिक एसिड, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस एजेंट स्पेसिफिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनाफिलैक्सिस रिएक्शन. तो अगर किसी पेशेंट को ये किस कहीं पे यूज़ होता है या MCQ में फॉर एग्जांपल आता है तो यू शुड नो अबाउट दिस. अगर आपको फॉर एग्जांपल आप ये भूल भी रहे हैं कि इट इज़ मेटाबोलाइज्ड टू विच सब्सटेंस, मगर इतना पता होना चाहिए कि प्रोकेन एंड बेंजोकेन दे बोथ कैन कॉज एनाफिलेक्सिस,
कॉमनली ये कर रहे होते हैं। इसकी रीज़न ये कि एग्ज़ाम जो हो रहा होता है, ख्वाह थ्योरी हो या वाइवा ओवरऑल, उसका पर्पस सिर्फ एक होता है कि आपको सेफ एनेस्थेटिस्ट बना सकें। आपको जब डिग्री मिले तो आप अगर जब सोसाइटी में जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करें तो उसके अंदर पेशेंट सेफ्टी हो। अब हो सकता है कि 5 साल 10 साल बाद जाके इनमें से कोई एजेंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो और यूज़ हो रहा हो। अगर आपके माइंड में नहीं है कि एनाफिलैक्सिस कर सकता है तो ऑब्वियसली आप, जब आपके माइंड में नहीं है तो आप उसको मैनेज या उसकी तरफ सोचोगे भी नहीं। सेम इन केस ऑफ बेंजोकेन, इन हायर डोजेज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेथेमोग्लोबिनीमिया, विच इज़ अगेन इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। और अगर इसके बारे में थोड़ा आपने पढ़ा होगा तो कुछ और एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मेथेमोग्लोबिनीमिया। अगेन प्राइलोकेन, इट इज़ हाइड्रोलाइज टू अल्फा टोलिडीन एजेंट, अगेन इट कॉजेज मेथेमोग्लोबिनीमिया। तो ये 3-4 एजेंट हैं और इनके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखें। एमाइड, देयर क्लियरेंस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन हेपेटिक ब्लड फ्लो, हेपेटिक एक्सक्रीशन एंड एंजाइम फंक्शन। तो हो सकता है कोई अगर लिवर फेलियर के साथ पेशेंट है, उसके अंदर हो सकता है आपको एबनॉर्मली उसका थोड़ा सा हायर साइड पे प्रोलॉन्ग इफेक्ट उसका मिल जाए, और हो सकता है उसके अंदर आपको डोज चूज करते हुए, जैसे मैंने कहा एक रेंज होती है, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा कि हो सकता है उसके अंदर अपर नॉर्मल डोज की तरफ अगर आप जाते हैं तो हो सकता है वो माइल्ड टू मॉडरेट टॉक्सिसिटी करा सके। ओके, सो रिकमेंडेशन ऑन मैक्सिमल डोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स कॉमनली फाउंड इन फार्माकोलॉजी टेक्स्ट आर नॉट टेरिबली यूजफुल इन प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल रीजनल एनेस्थीसिया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप याद ना करके जाएं, आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ज़ाइलोकेन आईवी अगर देना है, क्योंकि हम लोग कई बार ज़ाइलोकेन जो है वो 2% जो है वो दे रहे होते हैं फॉर टू ब्लंट द इंट्यूबेशन रिस्पॉन्स, और कई बार एज एन एंटी एरिथमिक ड्रग यूज हो रही होती है। इसी तरीके से 1% ज़ाइलोकेन आती है फॉर लोकल इन्फिल्ट्रेशन, तो 1% के अंदर उसकी डोज कुछ और होगी, जैसे कुछ बुक्स में अप टू 7 mg पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। और प्लेन ज़ाइलोकेन सेफ डोज इज रफली अराउंड फॉर लोकल इन्फिल्ट्रेशन अप टू 5 mg पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, हो सकता है कहीं पर टेक्स्ट में 4 to 5 लिखा हुआ, मगर मोर और लेस इसके अराउंड ही है। तो ये याद करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं इवन के ज़ाइलोकेन जो है वो भी यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइपोसक्शन एक प्रोसीजर अंडर जर्नल एनेस्थीसिया, आई होप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या करवाया होगा, उसके अंदर ज़ाइलोकेन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। तो आपको उसकी सेफ डोज कैलकुलेट करके अपने माइंड में रखना होगा कि उसको एक्सीड ना करें। ओके, इसी तरह रोपीवाकेन, ब्यूपीवाकेन, उनकी भी डोजेज याद कर लें आप। एनी रिकमेंडेशन ऑन द मैक्सिमल सेफ लोकल एनेस्थेटिक डोज कैन बी वैलिड ओनली इन रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक नर्व ब्लॉक प्रोसीजर। इसी वजह से इन जनरल हम लोग एक प्रिंसिपल हमारे माइंड में ये होता है कि अगर आपको एनेस्थीजिया रिक्वायर्ड है विथ पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, आप चाह रहे हो कि मोटर और सेंसरी दोनों कंपोनेंट हों विदाउट एडिंग जनरल एनेस्थीजिया, तो उसके अंदर यूजली जैसे रोपीवाकेन और बीपीवाकेन हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो जो हमारे पास स्ट्रेंथ आती है 0.5%, उसी में हम दे रहे होते हैं विदाउट डाइल्यूटिंग दी सोल्यूशन। और अगर हमें सिर्फ एनल्जीजिया देना होता है, फॉर एग्जांपल हमें जर्नल एनेस्थीजिया के साथ उसको सिर्फ एनल्जीजिया देना है, तो हम हो सकता है उसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन थोड़ा डाइल्यूट करके दें, जैसे 0.25%, 0.375%। तो ये एक हमारे पास एक जर्नल प्रिंसिपल हमारे माइंड में, मगर अगेन इट वेरी फ्रॉम वन टू द अदर नर्व ब्लॉक विच यू आर डूइंग। अच्छा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लोकल एनेस्थेटिक्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक। तो उसमें आप अगर दे भी रहे हो तो उसके अंदर सिंगल शॉट में तो प्रॉब्लम एज सच नहीं है, मगर अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कैथेटर रिलेटेड, तो उसके अंदर फिर अगेन वी हैव लिमिटेशन, वी कैन नॉट कीप इट मोर देन 48 आवर्स। रीज़न उसकी ये कि एक कैथेटर इटसेल्फ इज अ फॉरेन बॉडी, तो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देयर। ओके,
Another very important thing from exam point of view is that local anesthetic agent, they bind some of the other agents as well, including voltage-gated potassium and calcium channels, KATP channels, some enzymes, NMDA receptors, beta adrenergic receptors, G-protein mediated receptors. अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में मैं आगे बताऊंगा जब हम टॉक्सिसिटी की बात करेंगे, मगर ये थोड़ा सा अपने माइंड में से रख लें. ये सारे रिसेप्टर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास बीटा एड्रीनर्जिक और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एटलीस्ट ये आपके माइंड में हो. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, तो जितने भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट हैं सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होती है फ्रॉम इंटरकॉस्टल ब्लॉक होगी, ठीक है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ हाई वेस्कुलरिटी ओवर देयर. तो अब अगर लोकल एनेस्थेटिक वहाँ पे ब्लॉक लगा रहे हैं इंटरकॉस्टल ब्लॉक, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हो सकता है आपको कोई टॉक्सिसिटी रिलेटिवली ज़्यादा मिल सके, क्योंकि जो इसकी सीरम कंसनट्रेशन है वो इमिडिएटली राइज करेगी और ज़्यादा राइज करेगी इन इंटरकॉस्टल ब्लॉक. तो जो बॉर्डर लाइन पेशेंट हमारे पास होते हैं बहुत फ्रेजाइल, उसके अंदर लेट सपोज आप अगर बीपीवेकेन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर 2.5 टू 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट भी लोग यूज़ करें, तो हाई नॉर्मल के बजाय लो नॉर्मल रेंज में दें ताकि उसके अंदर चांसेस कम हों. फिर इसी ऑर्डर में अभी MCQ में भी क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट है, एक आध बार आ भी चुका है कि विच ब्लॉक is responsible for the highest concentration of the local anesthetic agent. Intercostal काफ़ी commonly use भी हो रहा होता है, gunshot chest में आ गए, chest tube insertion के वक्त कर रहे होते हैं हम लोग very commonly. तो उसके अंदर orders का यही main अगर देखा जाए almost सारे agent के साथ intercostal followed by caudal, epidural. Caudal epidural is almost same, epidural ही होता है वो basically. Then peripheral nerve blocks और उसके अंदर फिर ये. तो आपको बस ये आइडिया होना चाहिए कि इंटरकॉस्टल में हाईएस्ट होता है फॉलोड बाय अदर ब्लॉक्स, और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक में रिलेटिवली कम होता है चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी. ओके, लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी, इसके ऊपर मैंने पहले भी बताया, हो सकता है कोई टोक्स में पूरा स्टेशन आ जाए, हो सकता है कोई मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर कोई MCQ आ जाए. तो इसके बारे में पेरिफेरल नर्व ब्लॉक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा डेफ में ही पढ़ लीजिएगा, और मैं फर्दर आपको फर्दर रीडिंग के लिए जो कि इजी वे में एक्सप्लेन किया है वो भी मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट का, ताकि वहां पे जाके आप थोड़ा सा अपने आप को अपडेट भी कर लें. ओके, तो स्टार्टिंग विद द साइन एंड सिम्टम्स, आप इमेजिन करें एक पेशेंट है जिसको आपने नर्व ब्लॉक लगाया है और आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि उसमें टॉक्सिसिटी हुई है. तो इनिशियल जो साइन होते हैं, अच्छा जो ऑर्डर ऑफ साइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जब आपसे लेट सपोज एग्जामिनर पूछता है कि ओके डॉक्टर साहब, आपके पेशेंट को आपने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट दिया और उसको अब टॉक्सिसिटी हो रही है, तो व्हाट आर दी साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी, तो आपने ये नहीं करना है कि आप बोलें कि सर उससे एरिथमियाज होंगे, फिर आप बोलें उससे वर्टिगो होगा, ओमनियस फीलिंग होगी. नहीं, एक ऑर्डर में आपने बताना है, फर्स्ट कम फर्स्ट, ठीक है. तो उसके अंदर एक आप चीज याद रख लें, रूल ऑफ थंब फॉर लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिसिटी, एक तो उसे डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट्स में, माइल्ड टॉक्सिसिटी, मॉडरेट एंड सीवियर और एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी. दूसरा प्रिंसिपल ये, इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं बाद में, और पहले आते हैं CNS सिम्टम्स. ओके, पेशेंट विल फील वर्टिगो, इसके अंदर अगर इनिशियल सिम्टम्स में आ रहा है, उसके बाद फिर टिनाइटस होगा, उसको फीलिंग होगी जैसे उसकी कानों में घंटियां बज रही हैं, फिर उसको वियर्ड सी फीलिंग होगी, हमने उस फीलिंग कह रहे होते हैं, आप उसे बोल दें, मतलब ये वर्ड अगर आपको याद नहीं भी है तो आप बोल दें उसको अजीब सी फीलिंग होगी, वियर्ड फीलिंग होगी उसे, फिर उसको सर्कमोरल नंबनेस होनी शुरू होगी, ठीक है. वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरे मुँह के गिर्द जो है वो नम हो रहा है वो इलाका, तो ये अर्ली साइंस होंगे उसकी. उसके बाद उसको बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाएगा पेशेंट, बहुत ज्यादा या एजिटेटेड होने की जो इनिशियल सिम्टम्स उसके अंदर है, गैरुलसनेस होगी उसे, यानी कि बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो जाएगा,
और इररेलीवेंट बातें कर रहा होगा. इससे पहले जब आपका पेशेंट सर्कमोरल नमनेस तक की कंप्लेन कर रहा है तो आपको विजिलेंट होना पड़ेगा और आपको जो भी चीज़ें अरेंज करनी है अगर आपके सेटअप में है तो उसके लिए आपको कहना है. अच्छा, एग्जाम के अंदर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ना वो आपको बतानी होंगी. मगर लेट सपोज प्रैक्टिकल कंडक्ट के अंदर आपसे, फॉर एग्जांपल लॉन्ग केस आपका चल रहा है और उसके अंदर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है, एक पेशेंट है जो बहुत सिक है और वो बोलता है डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे इस केस के अंदर, तो उसके अंदर अगर जो चीज़ आप इन रूटीन नहीं करते या फैसिलिटी नहीं है, लेट सपोज पेरिफेरल नर्व ब्लॉक की फैसिलिटी नहीं है, तो फिर वो बताएं भी नहीं. और उसकी रीज़न बता दें, अगर लेट सपोज एग्जामिनर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने पेरिफेरल नर्व ब्लॉक का सोचा नहीं या बताया नहीं, तो आप बता सकते हैं हमारे सेटअप में नहीं होता. अब इसके आई एम श्योर कोई अगर और एग्जामिनर भी प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं तो प्लीज़, अगर डॉक्टर अख्तर हैं, डॉक्टर खत्री हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो थोड़ा सा गाइड कर दें इफ़ दे आर प्रेजेंट. मेरे ख्याल से डॉक्टर सर थोड़ा टाइम अभी कम रह गया है तो हम सर के और बाकी सीनियर्स के कमेंट्स बाद में ले लेंगे, पहले आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लें फिर एंड में हम ये. ओके श्योर. अदर साइंस में पेशेंट विल आफ्टर दीज इनिशियल साइंस पेशेंट विल डेवलप ट्रेमर्स देन मायोक्लोनिक जर्क्स फॉलोड बाय कन्वल्जंस कोमा एंड फाइनली कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये भी याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स या कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स वो तब आएंगे जब CNS में सिम्टम्स आ चुकी हैं जिस डोज पे, उससे 3 times अगर और डोज होगी ब्लड के अंदर तब जाके उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आएंगे. ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट का आपसे पूछते हैं तो एक स्टैंडर्ड जो पैटर्न है वो आपने अपने माइंड में रखना है. एक तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ट्रीटमेंट ऑफ एडवर्स लोकल एनेस्थेटिक रिएक्शंस दे डिपेंड्स ऑन देयर सिवियरिटी. माइनर रिएक्शन कैन बी अलाउड टू टर्मिनेट स्पॉन्टेनियसली, मगर आपको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो कि वो प्रोग्रेस कर रहा हो और आप समझे हो कि ओके ठीक है इनिशियल अभी यही है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सीजर इंड्यूस्ड बाई लोकल एनेस्थेटिक दे शुड बी मैनेज बाई मेंटेनिंग अ पेशेंट एयरवे एंड बाई प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन. सीजर्स अगर हो रहे हैं दे कैन बी टर्मिनेटेड बाई यूजिंग मेटाजिलम और प्रोपोफोल. अगर पेशेंट कॉमाटोज हो गया है या अगर कन्वल्जन्स हो रहे हैं देन यू कैन इंट्यूबेट द पेशेंट. मगर एक स्टैंडर्ड आप अपने पास फॉर्मेट ज़रूर बना लें, किसी भी कोई भी अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जो है वो कोई कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन में है तो आपको किस तरीके से उस पर प्रोसीड करना है. जैसे कॉल फॉर हेल्प आप कहते हैं, और अगर कोई इन्फ्यूजन चल रही है यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली दैट थिंग. उसके बाद कॉल फॉर हेल्प के बाद अगर कोई स्पेसिफिक एंटी डॉट है यू विल आस्क फॉर इट. एयरवे यू हैव टू मेंटेन. अगर पेशेंट अनमोनिटर्ड है तो अप्लाई मोनिटर इमीडिएटली टू लुक फॉर द साइन एंड सिम्टम्स, टू लुक फॉर द ऑक्सीनेशन, टू लुक फॉर द कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस. ओके, कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन इट इज मैनिफेस्टेड बाई मॉडरेट हाइपोटेंशन. It may be treated by the infusion of intravenous fluid or in vasopressors. In vasopressors, usually phenylephrine, norepinephrine or vasopressin can be given, whichever is available. If myocardial failure is present, then epinephrine can be given, but in small boluses. ये arrest में नहीं है अभी patient. Failure develop कर रहा है तो उसमें ये नहीं कि हमने 1 milligram ampule तोड़ा और immediately दे दिया. ओके, अगर कार्डियक अरेस्ट डेवलप करता है देन अगेन देयर आर सम रिकमेंडेशंस फ्रॉम ESRA वेबसाइट. ओके, हियर इज द चेकलिस्ट फॉर द हाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स अ पेशेंट. कॉल फॉर हेल्प हमने की और उसके बाद रेस्क्यू किट स्टैंडर्ड ये होता है वो आपने कॉल की, जिसके अंदर लिपिड इमल्जन ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. फिर आपको डिसीजन लेना है कि लिपिड इमल्जन आपको अर्ली करना है कि नहीं. अगर सिम्टम्स उसकी प्रोग्रेस करनी है गो फॉर द लिपिड इमल्जन.
इसमें याद करने की चीज ये कि 20% होता है सोल्यूशन, और इसको देना किस तरह है, इनिशियल बोलस, अगर वेट 70 केजी से ज़्यादा है फॉलोड बाय इन्फ्यूजन, और अगर सिम्टम्स परसिस्ट करती हैं तो आपको क्या करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर, अब जैसे इसके अंदर CNS सिम्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर, और ये दिया कि स्टेबल है कि नहीं है, इसके अंदर एक और क्वेश्चन अक्सर उठता है कि पेशेंट अरेस्ट में, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये जवाब देते हैं कि वी विल स्टार्ट लिपिड इमल्जन इमीडिएटली, तो उस वक्त ये नहीं करना है। इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट दी CPR, ACLS की हम दर्ज जाएंगे, क्योंकि अगर आप इमल्जन लगा भी दोगे देयर इज़ नो सर्कुलेशन, अरेस्ट कंडीशन है, तो उसके अंदर पेशेंट जो है वो रिवाइव नहीं कर सकेगा। तो उसके अंदर पहले आपने ACLS स्टार्ट करना है। ACLS के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो दो हैं, एक तो ये कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट नहीं देना है, ज़ाइलोकेन वी यूजली गिव इन केस अगर पेशेंट को एरिथमियाज हो रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी हम दे रहे होते हैं अगर SVT डेवलप हो रहा था, मगर अगर इनकी वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से ये कंडीशन है, तो वी विल अवॉइड ऑल दीज मेडिकेशंस। ठीक है, इसी तरह रेस्ट कंडीशन में तो वेजोप्रेसिन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ओके, दिस इज अ वेरी यूजफुल आर्टिकल, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे कि एक बार इसकी स्नैप या ले लें या अपने पास रख लें। ये पूरा एक प्रॉब्लम बेस्ड, इसके अंदर केस दिया हुआ और कोई 10-11 क्वेश्चंस हैं, और अगर आप सिर्फ ये भी कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। ओके, नाउ परफॉर्मिंग अ नर्व ब्लॉक, प्री रिक्विजिट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको कहा जाता है कि एक पेशेंट है जिसको आपने शोल्डर सर्जरी के लिए ब्लॉक लगाना है। ठीक है, तो पहले तो आपने सोचना है कि कौन सा ब्लॉक लगेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको डर्माटोम्स का पता हो, सर्जरी के बारे में पता हो, एग्जैक्टली सर्जरी कौन, जो नाम लिया है ना शोल्डर सर्जरी का एग्जैक्टली, तो उसके अंदर कौन कौन से डर्माटोम्स हमें ब्लॉक करने होंगे। फिर ये एक स्टैंडर्ड समझ लें कि 5-6 पॉइंट्स हैं जो कोई भी प्रोसीजर आप करेंगे उसके अंदर आपको फिट करना है। बट यूजली ये हो रहा होता है जब आप किसी को कहते हैं, कई बार रेजिडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि आपको कहा गया कि आपको ब्लॉक परफॉर्म करना, इमीडिएटली जंप करते हैं, ओके सर वी विल गो फॉर द इंट्रास्क्रैनियल ब्लॉक, हम ये करेंगे, इतनी ड्रग ड्रॉ करेंगे, इंजेक्ट करेंगे और इफेक्ट हमारे पास आ गया, ऐसा नहीं है। प्री रिक्विजिट हैं, उसके अंदर पहले आपने प्री प्रोसीजर असेसमेंट करनी है कि वेदर दिस पेशेंट इज फिट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसीजर और नॉट। फिर आपको प्लानिंग करनी है फॉर अ सूटेबल नर्व ब्लॉक, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जगहों पर अल्ट्रासाउंड मशीन है, बहुत सारी जगहों पर नहीं है, और आपको जो एग्ज़ाम में जो आया है वो क्या है, क्या उन्होंने आपको नर्व स्टिमुलेटर के थ्रू ब्लॉक परफॉर्म करने का कहा है या फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड कहा है। काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग रिगार्डिंग दी सक्सेस, रिगार्डिंग दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दी ब्लॉक। अब बहुत सारे ब्लॉक हैं, उनकी अपनी कुछ कॉम्प्लिकेशन जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली कॉन्सेंट, रिटन कॉन्सेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव टू डू दी प्रिपरेशन एंड प्रोसीजर रूम सेटिंग्स। अब इसके अंदर जैसे कोई भी, अगर लेट सपोज आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए, उसके बाद आप ये जहन में ज़रूर रखें कि आपको भले लोकल में भी कोई केस हो रहा है उसमें भी आपको स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग जो है वो अप्लाई करनी है पेशेंट को, जो स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 की जो हम बात कर रहे होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल टेल द एग्जामिनर अबाउट द स्टेरिलिटी, क्या आप सॉल्यूशन यूज़ करोगे, और इसी तरह आप ग्लविंग एंड गाउनिंग, अगर गाउनिंग की तो खैर जरूरत नहीं होती इसमें, मगर ग्लविंग आप जो करोगे वो आपने सब बताना होगा, स्टेराइल ग्लव्स यूज करेंगे आप। सिडेशन, अगेन इट्स प्लस माइनस, इट इज़ रिकमेंडेड टू सीडेट द पेशेंट व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग अ ब्लॉक, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, मगर फिर भी वो रिस्क बेनिफिट देखते हुए आपने डिसाइड करना है। देन ड्रग प्रिपरेशन, आपने पहले से ड्रग प्रिपेयर करके रखनी है, ये आपने उस वक्त एग्जाम के वक्त ये नहीं सोचना कि यार ये तो अंडरस्टूड है, देयर इज नथिंग लाइक दिस, अंडरस्टूड कोई चीज़ नहीं होती है, यू हैव टू स्पीक इट आउट। आपको बताना होगा कि मैं ड्रग प्रिपेयर करूँगा इस स्पेसिफिक नर्व ब्लॉक के लिए इतने ml, इतने ml की सिरिंज के अंदर और इस कंसंट्रेशन में विद लेबलिंग। फिर आपको पर्पस पता होना चाहिए, आप एनेस्थीजिया के लिए कह रहे हो या एनल्जीजिया के लिए कह रहे हो। फिर इंट्राऑपरेटिव मॉनिटरिंग, वो भी आप मेंशन करोगे। डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉलो अप भी आपको बताना होगा कि आई विल फॉलो दी माय ब्लॉक टिल इट वियर्स ऑफ कम्प्लीटली, और इन केस ऑफ फेल्ड ब्लॉक उसको 24 आवर्स तक आपको मॉनिटर करना होगा।
अच्छा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इससे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है मगर एक टिप है, पेन मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उसके अंदर एक प्रिंसिपल याद रख लें कि उसके अंदर आपको जो रिस्पॉन्ड करना होता है उसको आप जब भी रिस्पॉन्ड करें उसके अंदर ये ज़रूर बताएं कि यू विल गो फॉर मल्टी मॉडल एनल्जीजिया। कोई भी एक मॉडलिटी उसके अंदर यूजली आप पेन मैनेजमेंट के लिए बड़ी मेजर सर्जरी के अंदर आप नहीं बताते हैं। तो आप पहले ये टर्म ज़रूर यूज़ करें कि सर आई विल गो फॉर मल्टी मॉडल एनल्जीजिया, फिर उसमें आप क्या क्या यूज़ करोगे वो आपने बताना है। ओके अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको नाइसूरा की वेबसाइट के ऊपर एक अलग से बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंटीकॉगलेंट्स यूज़ इन योर एक्सल एनेस्थीजिया के अंदर स्पाइनल एपिड्यूरल और पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स के बारे में भी कमेंट किया हुआ है। ओके ऑक्सीजन हेलो ये प्लीज टर्न ऑफ कर लें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके सो इन पेशेंट्स हु आर ऑन एंटीकोगुलेंट्स जस्ट जो टेक होम मैसेज है वो ये कि गाइडलाइंस ऑन न्यूरेक्सियल इंजेक्शंस शुड ऑल्सो अप्लाई टू लंबर प्लेक्सस नर्व ब्लॉक्स एंड विसरल सिंपथेटिक नर्व ब्लॉक, जो क्रॉनिक पेन के ब्लॉक्स हैं उसमें वही गाइडलाइन यूज होगी जो हम सेंट्रल न्यूरेक्सियल ब्लॉक्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, यानी कि स्पाइनल एपिड्यूरल के लिए वही गाइडलाइंस होंगी। बट फॉर सुपरफिशियल नर्व ब्लॉक्स जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारे जितने भी पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स हैं मोर देन 90% दे आर सुपरफिशियल नर्व ब्लॉक्स, वी कैन परफॉर्म देम इफ वी हैव अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी अंटिल अनलेस देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकली इफेक्ट्स ऑफ एंटीकोगुलेशन। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे तो फिर आप अवॉइड करोगे, अदरवाइज यू कैन डू इट इन एनी पेशेंट कीपिंग इन माइंड द रिस्क वर्सेस बेनिफिट। ठीक है डर्माटोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जैसे भी है किसी भी तरीके से ये आपको याद रखना है, एटलीस्ट अपर लिम लोअर लिम और एब्डोमिनल ऑन सेकेंड प्रायोरिटी ये आप याद कर लें। एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कौन सा डर्माटोम किस एरिया को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी MCQ वर्सेस जो आप टेबल वाइवा उसके अंदर पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा किस ब्लॉक के अंदर स्पेयर रहेगा, या आपने कोई ब्लॉक परफॉर्म किया और अगर आप नर्व स्टिमुलेटर टेक्निक के थ्रू जा रहे हो तो आप कहाँ की मूवमेंट देखोगे, किस जगह की मूवमेंट देखोगे, तो आपको डर्माटोम के अलावा उसकी मूवमेंट जो है वो भी आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है तो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं आपको उस पर जो नर्व रूट्स वगैरह हैं उसके आइडिया हो जाएगा। ठीक है ओके सो इन ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक वी हैव 4 अप्रोचेस, इंट्रास्क्लेनी सुप्राक्लेविकुलर इंफ्राक्लेविकुलर एंड एक्सिलरी। अब इसके अंदर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ हम वही डिस्कस करेंगे, एग्जैक्टली अप्रोचेज उसमें करना हमारा गोल नहीं है। ओके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब हम इंट्रास्क्लेनी ब्लॉक कर रहे होते हैं उसके अंदर यूजली वो गो फॉर द ब्लॉक एट द ट्रंक लेवल। ठीक है ट्रंक हमारे पास 3 होते हैं, हम उस लेवल के ऊपर जो ब्लॉक कर रहे होते हैं। सुप्राक्लेविकुलर जो ब्लॉक हो रहे होते हैं उसके अंदर विजन लेवल के ऊपर जो ब्लॉक कर रहे होते हैं, तो इंफ्राक्लेविकुलर में यूजली कॉर्ड्स के ऊपर कर रहे होते हैं, और फिर एक्सिलरी के अंदर जो नर्व्स हमारे पास टर्मिनल हैं उनको हम जो ब्लॉक कर रहे होते हैं। समटाइम्स इसमें थोड़ी ओवरलैपिंग भी हो सकती है कि इंट्रास्क्लेनी में ट्रंक एंड रूट्स दीज कैन बी ब्लॉक, बट प्रिंसिपली वी एम फॉर द ट्रंक। ओके ओके इंट्रास्क्लेनी ब्लॉक इंडिकेशन इज मेनली फॉर द शोल्डर सर्जरी एंड डिस्टल क्लेविकल। अगर आपको कंप्लीट क्लेविकल की करनी है उसके लिए यू हैव टू एड सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक एज वेल, arm and elbow, but it's not a good choice, not a first choice for elbow surgery. Absolute contraindication, acha ye jo absolute contraindication hai ye har tarah ke procedure jitne blocks hain unme ye applicable hai. Patient refusal, agar patient refuse kar raha hai you cannot perform a block. Then local infection, site of jo aapki insertion hai needle वहाँ पे अगर इन्फेक्शन है तो यू हैव टू दिस इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। देन एक्टिव ब्लीडिंग इन एन एंटीकोगुलेटेड पेशेंट उसमें भी यू विल अवॉइड, एंड प्रूवन एलर्जी टू लोकल एनेस्थेटिक एजेंट। सो दीज आर
few absolute contraindications. And relative contraindication, COPD patient with severe disease, contralateral paresis of the phrenic or recurrent laryngeal nerve, and previous neurologic deficit of the involved arm. The risk and benefits of the chosen anesthetic technique should be discussed with the patient and the surgeon. Obviously, इसके अंदर मतलब practically यही होता है कि आपको surgeon को भी inform करना होता है, patient के तो consent के बगैर जाहिर है आप नहीं कर सकते. Complications काफी common है जो ये पूछा जाता है question. इसके अंदर spinal injection के chances होते हैं, spinal cord के करीब होते हो इस block के अंदर. Epidural injection के chances होते हैं, vertebral artery injection के chances होते हैं इसके अंदर, intravenous injection हो सकता है and pneumothorax as well, hoarseness के chances होते हैं if recurrent laryngeal nerve is involved, and again and from MCQ point of view it is more common or more frequent on the right side as compared to the left side, again anatomical course की वजह से. Horner syndrome का पता होना चाहिए आपको, ठीक है. Horner syndrome, sympathetic chain अगर block होगी तो that will result in Horner syndrome. It has three component, ptosis होगा, dropping of the eyelid हो जाएगी, then meiosis, eye थोड़ी जो pupil जो है वो उसका constrict कर जाएगा, and anophthalmia हो जाएगा, eye shrink कर जाएगी. तो जब देखोगे दोनों तरफ तो आपको पता चलेगा कि एक आंख shrunken है और एक जो normal है. Okay, mostly again this happens because of the sympathetic chain which is passing nearby. Usme agar absorption ho jati hai, so that is responsible for that. Or it's very common kuch jagahon pe, especially jab ultrasound jis waqt mein use nahi hota tha to volume bhi thoda zyada dete the, usme almost 100% Horner syndrome hota tha. Then another very important thing, dissolved gyrus reflex. This can occur. This is related to this intracranial block. Again, this is a parasympathetic reflex, or iske andar bradycardia hota hai along with hypotension, especially in beach chair position. Agar sitting beach chair position mein shoulder surgery ho rahi hai, toh after doing a successful block, ye hone ke chances hain 30 to 40 minutes ke andar ho sakta hai. To bas ye thoda sa bas idea hona chahiye. Uska treatment again. आप इसके अंदर एट्रोपीन कैन बी गिवन. ओके, तो ये थोड़ा सा अगर आप रिलेशनशिप देखें तो आपको आइडिया होगा इसके अंदर स्ट्रक्चर्स दैट आर पासिंग थ्रू ब्रेकियल प्लेक्सस, नियर बाय द ब्रेकियल प्लेक्सस, एंटीरियर क्लीनी मसल, मीडियस, कैरोटिड आर्टरी, वर्टेब्रल आर्टरी और फ्रेनिक नर्व. फ्रेनिक नर्व आपके जो एंटीरियर क्लीनी मसल है उसके ऊपर से रन कर रही होती है, इसी वजह से अगर इस जगह पे अगर ब्रेकियल प्लेक्सस के करीब आप ज्यादा वॉल्यूम देते हैं और नीडल आपकी थोड़ी इंटीरियरली होती है तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि फ्रेनिक नर्व जो है वो ब्लॉक हो जाएगी. ठीक है, तो आपको एनाटॉमी का थोड़ा आइडिया होना चाहिए ताकि आप बता सकें. एनाटॉमी जहन में होगी तो आप कॉम्प्लिकेशंस भी आप भूलेंगे नहीं उसके अंदर. सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक, this is mainly used for the any surgery below the shoulder, but in few setup it is used in shoulder surgery as well, but it is not recommended for that kyunki aapke iske andar higher dose use karni padti hai to achieve the shoulder block. Okay, like intracranial block, this block is also contraindicated in patient with respiratory compromise. Chances isme bhi hain, although intracranial ki nisbat kam hai magar usme bhi chances hain कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रेनिक नर्व. और निमोथोरेक्स के चांसेस इसके अंदर, स्पेशली जब आप नर्व स्टिमुलेटर टेक्निक से करते थे जिस जमाने में, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा था. लिटरेचर में आता है अराउंड 6 to 7% उस वक्त था, और इसी वजह से इसकी जो पॉपुलैरिटी थी, ऑल्दो दिस सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक दिस इज सो डेंस एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रैपिड दैट दिस इज कॉल्ड द स्पाइनल of upper limb. It's just like a spinal block. जैसे आप spinal लगाते हो effective होता है, इसी तरह supraclavicular block है. मगर ये pneumothorax की वजह से ये use करना कम हो गया था, उसके बजाय फिर prefer होता था infraclavicular. मगर अब दोबारा इसने काफ़ी popularity gain की है after the introduction of ultrasound. अच्छा, ये जो pneumothorax का incidence इसमें बताया जाता है literature में भी, ये mainly with
नर्व स्टिमुलेटिंग टेक्निक से है. अल्ट्रासाउंड के अंदर इसका जो इंसिडेंस है काफी कम हो गया. कॉम्प्लिकेशंस पे हमने बात कर ली. अच्छा, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर डर्माटोम्स आपको थोड़े याद हों तो मीडियल साइड ऑफ द स्किन ऑफ आर्म वो जो होती है वो ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, ब्रेकियल प्लेक्सस इट इज़ फॉर्म्ड टिल T1 तक उसमें जो है फाइबर्स हमारे पास होते हैं, नर्व रूट्स होती हैं. T2 जो होती है वो स्पेयर रहती है. तो इसी वजह से अगर टॉर्निकेट ऊपर टाई करेंगे तो या तो आपको खुद या फिर आपके सर्जन को कहना पड़ेगा कि अलग से जो है नर्व ब्लॉक इसके अंदर T2 लेवल पे जो है वो करें, विच इज़ परफॉर्म एट द प्रॉक्सिमल लेवल ऑफ द एक्सिला, या वहाँ पे फील्ड ब्लॉक भी किया जा सकता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको माइंड में रखना है कि अगर कोई ऐसा केस सिनेरियो आपको दिया जाता है तो उसके अंदर आपको ये बात याद रखनी है कि T2 जो है वो ब्लॉक नहीं होता है. इसमें किसी भी टेक्निक से, जो भी ब्रेकियल प्लेक्सस की टेक्निक है, उससे T2 स्पेयर रहता है. ओके, इंफ्राक्लेविकुलर ब्लॉक. अच्छा, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इसके कई बार रिलेशनशिप जो है वो पूछ लेते हैं. सो लेटरल कॉर्ड इज द मोस्ट सुपरफिशियल. ठीक है, अब स्किन से नीडल गई तो पहली जो नर्व इनकाउंटर होगी दैट इज लेटरल कॉर्ड, देन पोस्टीरियर कॉर्ड इज इनकाउंटर नेक्स्ट, एंड डीपेस्ट वन इज द मीडियल कॉर्ड. अच्छा, इसके अंदर जो इसकी सेटिंग है या इसकी जो एनाटॉमी है वो बहुत वेरी करती है. ज़रूरी नहीं है कि एक ही लोकेशन पे, फॉर एग्जांपल 3 o'clock पे, 2 o'clock पे आपको लेटरल कॉर्ड मिले. हो सकता है वो 3 पे 4 पे 5 पे मिले, मगर इन जनरल जो सुपरफिशियल मोस्ट होती है दैट इज़ द लेटरल कॉर्ड एंड डीपेस्ट वन इज द मीडियल कॉर्ड. एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और कई बार वो आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि केस सिनेरियो देखे कि नीडल आपकी गई है और सुपरफिशियल आपको जो है मसल मूवमेंट मिलनी शुरू हो गई है, तो कौन सी कॉर्ड जो है वो आपने लोकलाइज की है. तो उसके अंदर यू हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. लेटर एंड मीडियल कॉर्ड ऑफ ईच कंटेन हाफ ऑफ द मीडियन नर्व. ये तो आपको आइडिया होगा कि दोनों नर्व जो है उनमें से, उनकी कॉम्बिनेशन से जो मीडियन नर्व बन रही होती है. एंड पोस्टीरियर कॉर्ड कंटेन ऑल ऑफ द रेडियल नर्व. ये भी जब आप एनाटॉमी पढ़ रहे होंगे इसकी ब्रेकियल प्लेक्सस की, तो उसके अंदर ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमने पार्ट वन के लिए भी किया था और अभी भी हमें करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशन है. लेटरल कॉर्ड कहीं पे भी हो सकती है, इसी तरह से मीडियल कॉर्ड, मगर एक जो जर्नल जो 40-50% मेजॉरिटी में मिलती है तो आप उसकी जो पोजीशन है वो ज़रूर याद कर लें. अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप बता सकते हैं विद रेफरेंस टू द आर्टरी कि 2 o'clock के ऊपर आपको मीडियल कॉर्ड मिलेगी, 5 o'clock के ऊपर पोस्टीरियर कॉर्ड मिलेगी, 9 o'clock पे आपको लेटरल कॉर्ड मिलेगी, और अगेन उसमें वेरिएशन हो सकती है. एक्सिलरी अप्रोच, अगेन इट हैज द सेम इंडिकेशंस विच इंफ्राक्लेविकुलर ब्लॉक हैज, दैट इज इट इज सूटेबल फॉर एल्बो सर्जरी, फोरआर्म एंड हैंड सर्जरी. इन क्लिनिकल सिनेरियोज इन विच एक्सेस टू द अपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, आपको अगर ब्रूजिंग हुई हुई है वहाँ पे, लेट सपोज कोई इंटरनल जुगलर के अंदर जो कैथेटर डला हुआ है और वहाँ की एनाटॉमी डिस्टॉर्टेड है या वहाँ पे इन्फेक्शन है, देन यू कैन यूज एज एन अल्टरनेटिव, या फिर हैंड सर्जरी के लिए फोरआर्म या एल्बो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. अगेन इसके अंदर भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो तीनों नर्व्स हैं उसके अंदर मस्कुलोकुटेनियस नर्व जो है इट विल लीव सेपरेटली. तो कौन से दो मसल्स हैं जिसके बीच में मोस्ट कॉमनली होती है वो आपको पता होना चाहिए. बाइसेप मसल एंड कोरेकोब्रेकियलिस, उसके बीच में आपको मोस्ट कॉमनली मिलेगी, वरना इसकी लोकेशन हो सकता है कि कहीं पे भी हो. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इसके अंदर एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आता है कि विच नर्व रिमेन्स स्पेयर. आपने इसके इर्द गिर्द आर्टरी के अराउंड लोकल एनेस्थेटिक एजेंट तो इंजेक्ट कर दिया, मगर मस्कुलोकुटेनियस आपकी स्पेयर रह जाएगी. और अलग से अगर आप सिर्फ अगर पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेटर यूज़ करते हैं, उसके अंदर मस्कुलोकुटेनियस नर्व मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसे ब्लॉक करना, मगर अल्ट्रासाउंड गाइडेड ये बहुत आराम से हो जाती है. फिर इसकी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो आपको याद करनी होगी, वो जो ट्रांस आर्टीरियल और 2-3 जो टेक्निक्स दी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए.
पेल्पेट करके आप किस तरह जाएंगे, एस्पिरेट करेंगे और फिर ओके डिफरेंट लोकेशंस अगेन. ओके कॉम्प्लिकेशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन ये एक चंद ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक है जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो भी काफ़ी कॉमनली परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में थोड़ा सा आपको वॉचफुल होना पड़ेगा. वेस्कुलर पंक्चर, इंट्रावेस्कुलर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो हो सकता है इसके अंदर. इनिशियल जो इसकी मैनिफेस्टेशन होंगी उसके अंदर हेडेक की कंप्लेन कर सकता है पेशेंट, टैकीकार्डिक हो सकता है especially if the solution is containing epinephrine. Okay, intra-arterial अगर जाएगा तो उसके अंदर patient feel करेगा paresthesia. तो वो एक initial symptom होगी कि okay, ये intra-arterial चला गया है. ठीक है, तो इसी वजह से जब आप अगर trans-arterial approach से जा रहे हैं तो उसको आपको repeatedly उसको aspirate करके और slowly slowly देना पड़ेगा. हीमाटोमा के इसके अंदर चांसेस होने के चांसेस हैं, स्पेशली अगर आर्टरी पंक्चर हो रही है. टॉक्सिसिटी हो सकती है ड्यू टू अब्सॉर्प्शन और लोकल एनेस्थेटिक एजेंट नर्व इंजरी. ओके ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं सारी, ये ऑलमोस्ट हर ब्लॉक के अंदर होने के चांसेस होते हैं, तो ये तो आप याद कर लें क्योंकि जहाँ आर्टरी है, जहाँ वेन है, वहाँ नर्व साथ साथ जा रही है. तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये तो आपने हर ब्लॉक के अंदर फिट करनी है. जैसे किसी ज़माने में फार्माकोलॉजी के अंदर नोजिया वोमिटिंग ये हम हर एक में फिट करते हैं, तो ये तो आना ही आना है. उसके अलावा जो स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको बतानी होंगी. ओके इसी तरीके से आपको लंबर प्लेक्सेस, लंबोसैक्रल प्लेक्सेस की जो मेन ब्रांचेस हैं हाउ इट इज फॉर्म्ड ये आइडिया होना चाहिए, और जो मेन मेन ब्रांचेस हैं वो उसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए. फ्यूमोरल हो गया, ऑब्चुरेटर, हाउ इट इज फॉर्म्ड. ठीक है, फ्यूमरल नर्व ब्लॉक के अंदर आपको अगेन आइडिया होना चाहिए कि आर्टरी के मीडियल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, नर्व कहाँ पे होगी, ये आपको पता होना चाहिए. इसी से रिलेटेड फेशिया इलियका ब्लॉक जो है वो भी एक बार आप ज़रूर पढ़ लें कि उसके अंदर बाकी की जो दो नर्व्स हैं वो कौन सी होती हैं और उसका एडेड एडवांटेज क्या है. अगेन इंडिकेशन मोस्टली फॉर द फीमर सर्जरी, पैटिला, क्वाड्रिसेप सर्जरी, नी सर्जरी एंड एनल्जीजिया फॉर हिप फ्रैक्चर. इसके अंदर जो आप अगर हिप सर्जरी के लिए सिर्फ आप फ्यूमोरल नर्व ब्लॉक करेंगे तो उसके अंदर आपकी आपको बाकी मेडिसिन भी देनी पड़ेगी, एनल्जीजिया जो भी आप देना चाह रहे हैं, एनसर्ड्स या ओपियोइड, मगर ये कि उसकी डोज थोड़ी कम हो जाएगी. अगर आप चाह रहे हैं कंप्लीट एनल्जीजिया तो उसके लिए फिर आपको फिशी इलिया का ब्लॉक जो है वो लगाना पड़ेगा, जो लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई और ऑब्चुरेटर नर्व उनको भी इन्वॉल्व करेगी, उनको भी ब्लॉक करेगी. ठीक है, अच्छा इन जनरल एक चीज़ आप अपने माइंड में जरूर रखें कि लोअर लिम में मेनली वैसे तो बहुत सारे नर्व ब्लॉक हैं, मगर दो शैटिक नर्व ब्लॉक और फीमोरल नर्व ब्लॉक, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो एज अ जनरल प्रिंसिपल ये आप ज़रूर याद रखें कि अगर नहीं भी याद आ रहा सिर्फ ये याद रख लें कि थाई के लिए कोई भी ब्लॉक जो ज़्यादा इफेक्टिव है दैट इज़ फीमोरल नर्व ब्लॉक जो 80% ऑफ द एरिया को कवर करती है. इसी तरह अगर लेग या फुट के अंदर वैसे तो दोनों नर्व ब्लॉक करनी होगी, मगर शैटिक नर्व जो है वो नीचे जितना भी एरिया है बिलो दी नी जॉइंट एंड फुट उसको मेनली जो कवर करती है वो करती है शैटिक नर्व. ठीक है, तो ये अपने माइंड में ज़रूर रखें. कोई क्वेश्चन आता है बिलो नी एम्पिटेशन, अबव नी एम्पिटेशन, तो उसमें एटलीस्ट आप बता सकेंगे. ओके शैटिक नर्व ब्लॉक इट इज़ इंडिकेटेड फॉर फुट एंड एंकल सर्जरी, बिलो नी एम्पिटेशन, analgesia following knee surgery involving the posterior compartment and again arthroscopies as well. ankle block ke andar jo exam ke point of view se zyada important cheez hai indications to wo to foot mein jitni bhi surgeries hain khob wo amputations hain. ji ji sir aapne sir ne jo bataya shatek nerve block isme agar hum uske approaches hume pata hone chahiye about the posterior approach or उसमें देखें उसमें उसमें ना दो तीन चीज दो अप्रोचेस है ना जी, दो अलग से पता होनी चाहिए या कोई एक तो एक तो इसके अंदर ये है जैसे क्लासिकल ग्लूटियल अप्रोच, ट्रांसग्लूटियल अप्रोच, ठीक है उसका आपको आइडिया होना चाहिए. और दूसरी आती है सब ग्लूटियल अप्रोच. दोनों में फर्क ये है कि लेट सपोज आपको कोई सर्जरी करनी है अबव नी एम्पुटेशन, तो अबव नी एम्पुटेशन जो है वो आपकी जो पॉपलीटियल या जिसे कहते हैं हम पॉपलीटियल शैटिक अप्रोच वो कवर नहीं करेगा क्योंकि अबव नहीं आप जा रहे हैं. ठीक है, या आप टॉर्नी अगर
वहाँ पे टाई करना चाह रहे हैं तो वो अप्रोच कवर नहीं करेगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सर्जरी कि वो करना क्या चाह रहे हैं. अगर बिलोनी एम्पुटेशन है तो उसके अंदर आप सबग्लूटियल अप्रोच या पॉपलीटियल शेटिक यानी कि पॉपलीटियल फोसा के लेवल पे जहाँ आपकी नर्व जो है वो बन रही है तो उस लेवल पे आप लगा सकते हैं, उसके अंदर सर्जरी आप करवा सकते हैं. इसी तरह इसके अंदर डिफरेंट इसके जो है वो वेज दिए हुए हैं जैसे सुपाइन, लेटरल अप्रोच एंड पोस्टीरियर अप्रोच. तो उन अप्रोच जो भी हो उनमें से आपको एग्जैक्टली कोई एक जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप याद कर लें और वो आप उसे बता सकते हैं एग्जामिनर को. क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो नर्व ब्लॉक में खाओ लेटरल अप्रोच हो या एंटीरियर अप्रोच हो या पोस्टीरियर अप्रोच हो या प्रोन पोजिशन में जो हो रहा होता है वो एक ही है. जी एक आपने बतानी कॉन्फिडेंटली, मगर जो किस लेवल पे ब्लॉक करना है इट डिपेंड्स अपॉन दी सर्जरी. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैंने अभी बताया अगर क्वेश्चन आया है कि अबव नी एम्प्यूटेशन आपको करनी है, आपको मिड फीमर लेवल पे करनी है सर्जरी और आप उसमें अगर लगाते हैं शियाटिक ब्लॉक एट द लेवल ऑफ पॉपलीटियल फोसा तो वो कवर ही नहीं करेगी. ठीक है. तो उसको उसके अंदर क्लासिक जो हमारे पास ट्रांसग्लूटियल अप्रोच है वो हमें यूज करनी पड़ेगी. ओके इस तरह करके. ठीक है. अब इसी तरह जैसे हम बात करते हैं फ्यूमोरल नर्व की, फ्यूमोरल नर्व के बाद आजकल एक और चीज़ आई एडक्टर कैनाल ब्लॉक. तो एडक्टर कैनाल ब्लॉक के अंदर अगेन आप अगर वो यूज़ कर रहे हैं नी सर्जरी के लिए भी यूज़ होती है और अगर एम्पिटेशंस करनी है बिलो नी उसमें भी यूज़ हो सकती है वो. मगर मेन जो चीज़ है वो है फ्यूमोरल नर्व ब्लॉक. अगर आप वो एडक्टर कैनाल ब्लॉक भी याद कर लेते हैं इट्स गुड, मगर अगर आपको नाम भी आता है उसका तो दैट्स फाइन. क्योंकि अगेन वो फिर आप सब स्पेशलिटी की तरफ चले जाते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि एक बंदा जो एनेस्थीजिया में रेजिडेंसी कर रहा है उसको इतनी इन डेप्थ नॉलेज हो. ओके. अगेन इंडिकेशंस कॉन्ट्राइंडिकेशंस. अच्छा इसके अंदर खास तौर पे नर्व्स जो हैं 5 नर्व्स उनका आपको आइडिया होना चाहिए और एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जैक्टली नहीं भी पता तो ये पता होना चाहिए मीडियल एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं या लेटरल की कर रहे हैं. अब जैसे फ्यूमोरल नर्व की ही कंटिन्यूएशन में सेफनर नर्व, सेफनर नर्व की एक और खास जो करेक्टरिस्टिक फीचर है दिस इज दी ओनली नर्व इन लोअर लिम्ब विच इज प्योरली सेंसरी. इसका मोटर कंपोनेंट नहीं है खास तौर पे थाई के लेवल पे और नीचे. तो स्किन जो आपका मीडियल मेल्युलस हो गया और यहाँ से ऊपर पूरा जो एक बैंड लाइक जो एरिया है दैट इज सप्लाइड बाई दी सेफनस नर्व. लेटरल एस्पेक्ट दैट इज इनर्वेटेड बाई दी सूरल नर्व. और इसका जो पॉइंट ऑफ नीडल इंसर्शन है ना वो भी आप एक बार उसको अच्छा सा देख के याद कर लें कि मीडियल मेल्युलस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे कौन सी नर्व होगी जो ब्लॉक होगी. इसी तरीके से आप जो आपकी बाकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो आपको कहाँ पे मिलेगी और डीप पेरोनियल वो कहाँ पे मिलेगी. तो ये मतलब एग्जाम में खासतौर पर टॉक्स में ये स्टेशन भी एक दो बार आ चुका है पहले. ओके. टाइम की भी खैर शॉर्टेज है और थोड़ा सा मुझे शुरू करने भी 10 मिनट लग गए थे स्टार्ट करने में भी. ओके. इसके अंदर मैं आप लोगों को एक और एडवाइस करूंगा कि नाइस्यूरा की वेबसाइट पर आप जाके स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेबसाइट है इसमें दिया हुआ है. उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट फ्री है और इसके अंदर मैंने डेलिब्रेटली इसकी एक जो है ये विंडो जो ओपन की है इसके अंदर फार्माकोलॉजी एनाटॉमी इंडिकेशंस पेशेंट फो ये सारी चीज़ें फ्लो चार्ट्स कुछ जो हैं जो कि काफ़ी काम के हैं वो इसके अंदर दिए हुए हैं. फिर इसके अंदर वीडियोज़ भी हैं क्योंकि जब हम भी रेजिडेंसी में थे तो कॉन्सेप्ट नहीं बनता था एग्जैक्टली कि ये जो बात कर रहे हैं एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं. इसी तरह एनाटॉमी की कई बार समझ में नहीं आती थी कि कैसे कह रहे हैं कि लेटरली ये वाला मसल है मीडियली ये वाला मसल है. और इसी तरीके से नर्व्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है एरिया वो भी समझ में कई बार नहीं आती थी. तो वीडियोस आप देखें. इसके अंदर लैंडमार्क टेक्निक से भी दिया हुआ है और इसके अंदर अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी दिया हुआ है. अच्छा इन ब्लॉक्स के अलावा कुछ और ब्लॉक्स हैं टैब ब्लॉक उस पर भी एक बार स्टेशन आ चुका है. तो उसके अंदर भी एक तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली टैब ब्लॉक जो क्लासिकल है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है. बिलो एम्ब्लाइकस सर्जरीज हैं उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं.
और उसके अंदर जो एक क्लासिकल चीज है पेटी ट्राइंगल हाउ इट इज फॉर्म्ड उसका आपको आइडिया होना चाहिए. इसी तरीके से सीरेटस एंटीरियर ब्लॉक अगर इतना भी आप बता दें दैट इज यूज फॉर द रिब फ्रैक्चर्स स्पेशली अपर रिब फ्रैक्चर तो दैट इज फाइन. वैसे तो ब्लॉक्स इतने ज्यादा हैं और मैं नहीं समझता कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि रेजिडेंट्स को इस लेवल पे इन डेप्थ हर चीज का आइडिया होगा. एटलीस्ट लिम्स के ब्लॉक और कुछ एब्डोमिनल ब्लॉक्स इनका सिर्फ आइडिया हो तो मेरे ख्याल में दैट इज सफिशिएंट. इरेक्टर स्पाइनल ब्लॉक हो गया क्वाड्रेसेस लंबोरम इनका थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो है. तो ये भी काफी ज्यादा मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ आ चुका है किसी ना किसी लेवल पे. ओके इसी तरह जो मैंने अभी बताया था न्यूरेक्सियल एनेस्थीसियन पेरिफेरल नर्व ब्लॉक इन पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट ये भी बहुत अच्छा दिया हुआ है स्पेशली स्पाइनल एपिड्यूरल वाले पेशेंट में क्या रिकमेंडेशंस हैं कब आप स्टॉप करेंगे अगर कैथेटर डाला है कब पुल आउट करेंगे कितने घंटे बाद रिज्यूम करेंगे ये सब इसके अंदर दिया हुआ है. ओके कोई और क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी. जी रेजिडेंट्स में से कोई अगर कोई क्वेरी है कोई और ऐड करना चाह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लीज जरूर कीजिए. आर यू डन विद योर प्रेजेंटेशन डॉक्टर अजहर. जी थैंक यू सो वेरी मच. आपने बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई हैं स्पेशली जो लोकल एनेस्थेटिक हैं और जो लिम्ब ब्लॉक्स हैं. लिम्ब ब्लॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ जो एब्डोमिनल ब्लॉक्स हैं और इसके अलावा जो आपने सेरेटस एंटीरियर का इसके अलावा पैक मेजर पैक माइनर मसल्स के जो नर्व ब्लॉक्स होते हैं वो भी वेरी रेयरली बता सकते हैं तो ये वो इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स हैं जिनका आपने बहुत डिटेल में बताया और आई एम श्योर कि इससे जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको ना सिर्फ ये कि एग्जैक्ट पॉइंट्स पता चले होंगे कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है बट ऑब्वियसली बाकी की डिटेल्स भी पता चली होंगी जो कि बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स होती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जैसे कि आपने लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी लास्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए या इनिशियली जो आपने लोकल एनेस्थेटिक के बारे में बताया. एक्चुअली होता क्या है कि जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब नर्व ब्लॉक्स की बात हो तो बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि नर्व ब्लॉक स्टार्ट ही लोकल एनेस्थेटिक से होता है तो लोकल एनेस्थेटिक के बारे में बात करना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. मैं एक चीज एक स्लाइड मेरी रह गई थी. एक और चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोस्पेक्ट की गाइडलाइंस है दिस इज प्रोसीजर स्पेसिफिक पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट. इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि ये अपडेट करते रहते हैं जो एविडेंस आता है उसको रिव्यू करते हैं और करते हैं. उसके अंदर हर सर्जरी के हिसाब से जो है वो दिया हुआ है कि क्या क्या आपके पास प्लान है. इसमें ये भी दिया हुआ है व्हाट इज़ रिकमेंडेड एंड व्हाट इज़ नॉट रिकमेंडेड. अब फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन प्रोसीजर है टोटल हेपार्थ्रोप्लास्टी नी रिप्लेसमेंट आप कह लें उसे आम जबान में. उसके अंदर अक्सर अगर आप रेजिडेंट से पूछें कि आप क्या उसके लिए मैनेज करेंगे तो अक्सर रेजिडेंट फॉर यूनिलेटरल के लिए कह देते हैं एपिड्यूरल हम देंगे. एपिड्यूरल ऑल्दो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है बहुत सारे सर्जन हैं वो अभी भी लगवाते हैं इवन कि हम भी प्रैक्टिस में हैं इन चीज़ों की. मगर जब एग्जाम में आप बैठे हुए होते हैं ना तो आपको फिर एक तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बतानी है कि जो एविडेंस बेस्ड है तो उसके अंदर इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यूनिलेटरल आर्थ्रोप्लास्टी. इसी तरह सिजीरियन के अंदर क्या हम दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते तो ये सर्जिकल वाइज है. तो ये प्रोस्पेक्ट की भी गाइडलाइंस ये एक बार देख लें बहुत यूज़फुल होंगी. इसके फ्लो चार्ट्स हैं अगर आप वो भी एक एक पेज के हैं वो अपने पास रख लें और उसको रिवाइज करते रहें तो एटलीस्ट ये कि ये वाला जो आपका पूरा टॉपिक है ना ये कवर हो जाएगा. थैंक यू. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द रेजिडेंट्स एंड देन वी विल टेक द रिमार्क्स और द कमेंट्स फ्रॉम द सीनियर. कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है. ओके नाउ वी विल टेक द कमेंट्स फ्रॉम आवर सीनियर्स.
मैम ज़ाइलोकेन की आईवी डोज डॉक्टर अज़र वुड यू लाइक टू आंसर द कमेंट ओके आईवी वैसे तो ये हमारे स्कोप में नहीं है आज जो क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रीजनल एनेस्थीसिया की दिस इज़ यूज फॉर दी एज एन एंटी एरिथमिक और टू ब्लंट द इंट्यूबेशन रिस्पॉन्स तो मैक्सिमम डोज इज 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट अगर आईवी आपने देना है ज़ाइलोकेन 2% सर एक्सक्यूज मी जी जी सर ये मुझे पूछा था कि ये जो हम लोग के एग्जाम्स या ट्रोप्स होंगे इसके अंदर पिक्चर्स मतलब ड्राइंग करवाई जाती है कभी कभी हमसे पूछते हैं कि ड्रॉ दैट ब्लॉक या फिर हमें सब ड्राइंग मिलेगी हमें उसको लेबल करना होता है इसके अंदर एग्जैक्टली होता ही ये कि एक इन्होंने जो है वो वॉलंटियर होता है वो बिठाया हुआ होता है फॉर एग्जांपल बात हम कर लें इसकी फुट ब्लॉक की उसके अंदर वो फिर पूछते हैं कि ओके डॉक्टर साहब आपने बताया कि आप आपको कमांड मिली यू हैव टू परफॉर्म एंकल ब्लॉक ठीक है उसकी इंडिकेशन पूछनी कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछनी उसके बाद बोलेंगे एग्जैक्टली आप पिन पॉइंट कर दें या मार्क कर दें कि आप कहाँ पे जो है नीडल इंसर्ट करेंगे या कौन सी नीडल किस किस जगह पे होगी तो वो आपको बताना होगा ओके ओके एनी अदर क्वेश्चन डॉक्टर आमिर सर वहीद अख्तर वहीद सर आप में से कोई कमेंट करना चाहेंगे देन वी विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे Dr. Amir, would you like to have some closing comments or should I close? I think किसी के और कोई comments नहीं है और थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अज़र आपने बहुत ही एक्सटेंसिव और बहुत ही डिटेल में सारी चीजें बताई रिगार्डिंग लोकल एनेस्थेटिक्स एज वेल एज रीजनल एनेस्थीसिया पर लिंग एंड एंड आई एम श्योर कि दिस वुड हैव हेल्प आवर रेजिडेंट्स स्पेसिफिकली सो विद दिस आई थिंक वी आर क्लोजिंग द सेशन अगर किसी के कोई कमेंट्स हो तो वो फिर ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं और या फिर कोई क्वेश्चन हो तो वहां पूछ सकते हैं थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू जी 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 प्लीज आप वाइंड अप कर लीजिए चलिए ठीक है थैंक यू सो मच कि मैं टाइम काफी का बड़ा लंबा टॉपिक था डॉक्टर अज़र ने मेरा कंप्लीट मैंने रिकॉर्ड कर लिया फिर इसको बाद में शेयर कर जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा नेक्स्ट वीक का बता दूं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा जो है वो क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट के टॉपिक स्टार्ट होंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स और उसमें जो नेक्स्ट वीक की हमारी प्रेजेंटर हैं वो डॉक्टर ज़ैनब शब्बीर हैं फ्रॉम मुल्तान तो इंशाल्लाह शी विल बी प्रेजेंटिंग अ टॉपिक ऑन द सोमैटिक नर्व ब्लॉक्स ऑफ क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट और आई एम श्योर कि जैसे कि आज का हमारा इंटरेस्टिंग था और बहुत एग्जाम ओरिएंटेड था तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड भी जो नेक्स्ट सेशन होगा वो भी एग्जाम रिलेटेड ही जो उससे होंगे नर्व ब्लॉक्स वो डिस्कस करेंगे एंड आई वुड लाइक के जो पार्टिसिपेंट्स हैं स्पेशली जो रेजिडेंट्स हैं अगर उनके कोई क्वेश्चंस हों या कोई क्वेरीज हों तो प्लीज डू कम अप एंड डू आस्क क्वेश्चंस इंशाल्लाह ओके थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू अल्लाह हाफिज़